हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे किसकी वैकेंसीज को कहाँ कहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो चैनल का नाम है वो दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर। जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आप देख सकते हैं कि मैं जॉब से रिलेटेड जो भी यहाँ पे लाइक नोटिफिकेशन है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो मल्टीपल प्रोजेक्ट असिस्टेंट वैकेंसी से रिलेटेड हो, या आपका जो एमएससी पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो, या आपका साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, तो इन सब टाइप की जो वैकेंसीज के बारे में मैं यहाँ पे जो है अपने यूट्यूब चैनल पर जो नोटिफिकेशन वो रेगुलरली डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट गेट या एमएससी या बीएससी या नीट के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर बायोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ लाइक इंपॉर्टेंट कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मैं अपना जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो उसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप जो है कोई किसी नीट की या सीएसआईआर या गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बार आप मेरी यूट्यूब लाइक बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट उस पर भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ कंटेंट डाल रखा है, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप जो है इसे फॉलो करिए। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें करता हूँ, आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, इसके अलावा जो भी जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज है उसके बारे में भी यहाँ पर मैं अपना जो नोटिफिकेशन वो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो को अगर आपको जो है चैनल ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं ऑल पे, ताकि आप मेरे बायोलॉजी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन पहला आया वो आया केरला वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी से, जो कि पकोड़े वायानाड में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट एट डिपार्टमेंट ऑफ वीपीएस सीवीएएस पकोड़े के वीएएस इशू। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट नेम मेंशन कर रखा है, इवेल्युएशन ऑफ द एंटीबैक्टीरियल पोटेंशियल ऑफ बायोजेनिक सिल्वर नैनो पार्टिकल अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट ईकोलाई। पोस्ट है आपकी रिसर्च असिस्टेंट, वैकेंसी है 1, और आपके यहाँ पे जो काली क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, और आपका यहाँ जो रेमुनरेशन है वो आपको 1400 पर डे और मैक्सिमम आपको 35,000 रुपीज़ जो है पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपना बायोडाटा अलॉन्ग विद योर स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रूविंग डिटेल्स आपको सेंड कर देना है vphpkt@kvasu.ac.in ऑन और बिफोर 29 अगस्त, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस अपना डॉक्यूमेंट्स बायोडाटा के साथ आपको सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद योर सीवी या बायोडाटा यू हैव टू सेंड इट टू दिस ईमेल आईडी, ठीक है। तो इंटरव्यू डेट जो है वो आपको जो है यहाँ पे बता दी जाएगी, ठीक है। तो इंटरव्यू डेट एंड टाइम विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑन 29 अगस्त 2021, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट आज ही है, तो आज ही आप जो है ये अपलोड कर सकते हैं, आप जो हैं अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ताकि आज ही इंटरव्यू डेट जो है वो यहाँ पे आज ही आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च से आया। तो यहाँ पे देखिए जेआरएफ की 1 वैकेंसी है, एमोलुमेंट जो आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा एज पर डीएसटी या डीबीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में आपका जो है नेट होना लाइक कंपलसरी होना चाहिए कि आपके पास नेट होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमएससी या एमटेक इन लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री या इक्विवेलेंट आपके पास अगर है, पीजी डिग्री इन सब्जेक्ट्स में किसी में से या लाइफ साइंस से किसी भी सब्जेक्ट से, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस किया जाएगा दिया जाएगा, ठीक है। तो फेलोशिप जो भी आपको मिलेगी वो मिलेगी एज पर डीबीटी या डीएसटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना एक सॉफ्ट कॉपी यानी कि आपका बायोडाटा अलॉन्ग विद योर कवर लेटर और आपको अपने जो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ है, मार्कशीट्स की, सर्टिफिकेट्स की एंड प्रूफ ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस और पब्लिकेशन आपको सेंड कर देना है salesdinom@gmail.com पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने जितना सीवी के साथ जो भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स हैं वो सारा आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। देखिए यहाँ पे जो है आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी जो है वही सेंड करनी है, यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो आपको सेंड नहीं करनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड इसके लिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है भरतियार यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखिए जेआरएफ की वैकेंसीज को निकाला गया है भरतियार यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल है वो कीमोथेरापेटिक पोटेंशियल ऑफ ऑस्बेकिया परविफेलिया एंड ब्रेनिया रेटुसा बाई कंजुगेटेड विद नैनो पार्टिकल्स अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो
जो पोस्ट है वो JRF का पोस्ट है, यानी जूनियर रिसर्च फेलो। वैकेंसी यहाँ पे सिर्फ वन है। क्वालिफिकेशन आपका MSc होना चाहिए इन बॉटनी या प्लांट साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स, एमोलूमेंट 20,000 पर मंथ, और जो ड्यूरेशन वो रहेगा वो आपका 3 ईयर्स का रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपने बायोडाटा के साथ अपना रिसर्च फोटोग्राफ और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एलॉन्ग विद योर अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड रिसर्च पब्लिकेशन इफ एनी, और आपको सेंड कर देना है बाई पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईमेल भी करना है और आप बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। एंड इट शुड रीच बिफोर 9 सितंबर 2021 टू प्रोफेसर टी परिमेलगजागन, ठीक है, जो कि PI है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो इंटरव्यू की डेट रहेगी वो आपको ईमेल या फ़ोन के थ्रू बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन होगा भतिया यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है ये हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पटन में, तो यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपका यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर रखा है द प्रोसेस फी फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग पोस्ट, ट्रेनिंग ऑफिसर ट्यूटर एंड डेल ऑफिसर सैल बी ₹300, एंड फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड CMF टेक्नीशियन सैल बी ₹200। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फीस जो है वो मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ पे जो है अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फी पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ मेंशन कर रखे हैं, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉ, और यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट को मैंसन कर रखा है। और यहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया कि ऑर्गेनिक में 5 पोस्ट हैं, इनऑर्गेनिक में 3 हैं, फिजिकल में 3, CIMF टेक्नीशियन में 1, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली जो मेंटर मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखी कि आपका जो इंटरव्यू डेट है वो कब है। तो ठीक है, तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डेट लाइक मेंशन कर रखा है, अलॉन्ग विद टाइम भी मेंशन कर रखा है। तो मैं मल्टीपल लाइन डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे इंटरव्यू का डेट है, और आपको यहाँ पे जो अगर 1 से ज़्यादा में अगर आप एलिजिबल है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइफ साइंसेस के लिए टीचिंग असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट की पोजीशंस को भी मेंशन कर रखी है, बायोटेक में भी, आर्किटेक्चर में भी। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वॉक इन इंटरव्यू है इसमें रहेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आया IIT रुड़की से। तो यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट टू फिल अ प्रोजेक्ट पोजीशन अंडर द PI डॉक्टर प्रेमेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग IIT रुड़की। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोजेक्ट पोजीशन है वो साइंटिस्ट पोजीशन है और वैकेंसी है वो 1 है। तो यहाँ पर आपका PhD होना चाहिए इन एनी ऑफ द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा बता रखा है। इसके अलावा आपका एटलीस्ट 2 फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन होना चाहिए Q1 या Q2 जर्नल में। और यहाँ पे जो आपका एमोलूमेंट दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा 56,000 प्लस HRA एज पर गवर्नमेंट रूल, और जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा आपका 5 ईयर्स और टिल द प्रोजेक्ट एंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका अगर स्ट्रांग बैकग्राउंड है कंप्यूटेशनल फिजिक्स बायो फिजिक्स में या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो श्योरली दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए आपको करना कि आपको अपना प्लेन पेपर पे आपको अपना एप्लीकेशन अलॉन्ग विद योर डिटेल्ड CV और आपका जो भी डिग्री है सर्टिफिकेट है, और आपका अगर कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, और आपको यहाँ पे अपने जितने भी डिग्री है सर्टिफिकेट है उसका अटेस्टेड कॉपी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको सेंड कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो लास्ट डेट मेंशन कर रखी है 7 सितंबर 2021 बाई 5 PM आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को सेंड कर देना parvinder.bsbc@gmail.com पे। ठीक है, तो आप मेल भी कर सकते हैं, अगर फिजिकली भी यहाँ पे जो है आप IIT रुड़की में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन पूरा अच्छे से कर रखा है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे इस टाइप के किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।